हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आपके अपने चैनल आमिर बर्ड आइवरी में। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं वो वाटर स्प्रे के ऊपर है। यानी आप देख सकते हो कि हर कोई बर्ड एकदम फ्रेश हो चुका है, उसके बाद में मूड में भी आ चुका है। यानी मैं हर गर्मियों के अंदर, बहुत सारे ब्रीडर भी ये काम करते हैं कि अपने बर्ड को जो है दोपहर के अंदर नहला देते हैं, यानी जो बर्ड के ऊपर जो है स्प्रे कर देते हैं वाटर का, उससे बर्ड के अंदर ताजगी आ जाती है, बर्ड हैप्पी हो जाता है और बर्ड फुल इंजॉय करता है उस मूवमेंट को, क्योंकि गर्मी की वजह से उसके हाल बेहाल हो चुका होता है, बर्ड हाँपना स्टार्ट कर देता है। तो हम थोड़ा ऐसा वाटर स्प्रे वगैरह करेंगे या फिर ऐसे बड़े बाउल के अंदर वगैरह पानी देंगे तो बर्ड अपने हिसाब से नहाएगा, या फिर आप जब स्प्रे करते हो तब भी बर्ड जो है फुल इंजॉय करता है उस मोमेंट को। तो गर्मियों के अंदर ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सारे लोग अचानक से हर एक दिन स्प्रे करना स्टार्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है, यानी बर्ड को ज़ुकाम वगैरह हो सकता है। तो स्टार्टिंग में हमें एक दिन देना है और दो दिन का गैप देना है। इस तरह हमें एक हफ्ते तक करना है अपने बर्ड को जब स्प्रे स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वापस अगले हफ्ते एक दिन स्प्रे करना है और एक दिन का गैप देना है। इस तरह नेक्स्ट हफ्ते के अंदर कंटिन्यू हमें अपने बर्ड को दोपहर के वक्त स्प्रे देना है वाटर का। मेरे बर्ड किस तरह इन्जॉय कर रहे थे इस वीडियो के अंदर मैं आगे दिखाऊंगा आपको। फुल इन्जॉय करके, यानी उस मोमेंट को फुल इन्जॉय कर रहे थे, जैसे हम गर्मियों के अंदर वाटर पार्क को जाने के बाद जितना खुश होते हैं उसी तरह ये बर्ड भी उतना इन्जॉय कर रहे थे। आगे मैं वीडियो भी वो कंटिन्यू जोड़ दूँगा, तो आप ज़रूर देखिए। और उसके बाद ये स्प्रे जब हम करते हैं तो दूसरे दिन मॉर्निंग के अंदर हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है कि बर्ड को हमारे लूज़ मोशन लगा है या नहीं, यानी जो उसकी वेंट की जगह होती है वहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान देना है लूज़ मोशन वगैरह लगा है या नहीं बर्ड को। अगर लगा होगा तो स्प्रे नहीं करना है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं या फिर बर्ड आपका एडजस्ट हो चुका है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप हर एक दिन दे सकते हो। जैसे अभी चिक्स नए ही बाहर पड़े थे बॉक्स से, तो मैंने इन्हें कम क्वांटिटी के अंदर स्प्रे किया है। जैसे मैंने ऊपर के केज के अंदर स्प्रे किया उसी में का जो पानी निकला है उसी के अंदर वो सब नहाए हैं। इस तरह मैं अपने तमाम बर्ड को अभी स्प्रे दे चुका हूँ, तो बर्ड फुल एक्टिव हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे बर्ड जो है हाँपना भी कम कर दिया, नहीं तो जब स्प्रे करने से पहले हर कोई बर्ड हाँपना स्टार्ट कर दिया था। अब हर कोई अपने अपने बॉडी को क्लीन करने में लगे हैं और माशाल्लाह स्प्रे करने से बर्ड जो है मोल्डिंग के मूड पर आता है और मोल्डिंग भी करना स्टार्ट कर देता है, तो उससे बर्ड की जो फेदर क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, कलर और ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाते हैं। जैसे ये मेरे वॉयलेट कलर के अंदर पैर है माशाल्लाह, ये और मैं जैसे ये स्प्रे कंटिन्यू करूँगा तो इस पैर का कलर जो है इससे और डार्क हो जाएगा माशाल्लाह। अभी तो बेस्ट क्वालिटी के अंदर है ये बर्ड, और भी ज़्यादा कलर इसका वाइब्रेंट हो जाएगा। ये स्प्रे करने से इसके फ़ायदे होते हैं और बर्ड जो है स्प्रे करने के बाद खुद को क्लीन करना भी स्टार्ट कर देता है। तो मैं अपने गर्मियों के अंदर अपने तमाम बर्ड्स को ये स्प्रे देता हूँ। अगर बर्ड के अंदर माइट्स का प्रॉब्लम होगा तो आप एल्बिमोर करके एक मेडिसिन आती है, जैसे एक लीटर के अंदर आप वो एक 4 या 5 ml डालकर अपने बर्ड को स्प्रे कर सकते हो। एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि जब भी हम अपने बर्ड को स्प्रे करते हैं वाटर स्प्रे या फिर उसके अंदर मेडिसिन ऐड करके स्प्रे करते हैं, तो बर्ड के डायरेक्ट चेहरे के ऊपर हमें कभी भी स्प्रे नहीं करनी है, उससे बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है और बर्ड बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बर्ड के बॉडी के ऊपर ही हमें ज़्यादातर स्प्रे करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए,
और गर्मियों के अंदर अपने बर्ड का ख्याल किस तरह रखना है इसके बारे में भी मैं आगे वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कोकाटेल के ऊपर मैं बहुत सारे आगे वीडियोस बनाने वाला हूँ। यानी ब्रीड पर लगाने से पहले बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है, उसके बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा। और उसी के साथ में ब्रीडिंग, जब हम बर्ड की ब्रीड लेते हैं तो उसके अंदर आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का हमें अगर पहले से ही मालूम होगा तो हमारे लिए आसानी हो जाती है आगे बर्ड से ब्रीड लेना, कि हम उन गलतियों को दोहरा नहीं सकते। यानी वो प्रॉब्लम आने से पहले हम अगर उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो हमारे पास ब्रीड भी अच्छी आएगी। तो बहुत सारे सॉल्यूशन के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।